अस्तर पहना मैं वो तेरा शुक्र मना करके जो भोजन पावा मैं तेन भोग लगा करके वो काल आरंभ करा तेरा नाम दया करके वो तेन अंग संग वेखनवा मैं मन बेच बसा करके जिन्हां बारे सुनिया कि धार्मिक प्रवृत्ति दे इंसान ने सो इस धरातर नूं इस मात लोक नूं त्याग के परमात्मा की गोद दे विच विराजमान हो गए उन्हां दे निमित्त अज श्री गीता भवन दे विच श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। सो शब्द अखर दे नाल जिसनूं असी श्रद्धांजलि समारोह आखदे हाँ उस बारे जानना जरूरी है। जानोगे तां जे मन दे विच उस परमात्मा प्रति श्रद्धा है। नान रूपी मुष्टिका प्रहार सहन करके वो सवाल करती है लंकनी, लंकनी सवाल करती है महाराज पुण्य और पाप की परिभाषा समझाओ। बच्चों को यही कह के गए कि भाई काका नीवे होके जिंदगी कट्यो, बहुत नीवे होके जिंदगी कट्यो, टाइम बड़ा खराब है। और तिने बेटे उन्होंने बहुत नरम सुभा के सन, बहुत ही वधिया उन्होंने मंडी में विचरना है, समाज में एक उन्होंने रुतबा है। और उरे आके जो उन्होंने काम बताया है वो आप सबको पता ही है कि कितने वधिया उन्होंने विचार सन। बहुत सारिया संस्थावां तो शोकमते आए हैं, मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता। अज असी पिता श्री सीताराम जी के अंतम अरदास इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने शरदा के फुल भेंट कर दी, जिन्हों के बेटे अमरजीत जी, दविंदर जी, अजय जी, जो तीनों ही बहुत वधिया इंसान। अमरजीत जी का साडा ज्यादा संबंध इकट्ठे रहने करके धार्मिक प्रवृत्ति के मतलब जी के मकान हर फंक्शन के वो वध चढ़ के हिस्सा लैन वाले
इंसान का जो फर्ज समाज के है वह हर पास पूरा करते हैं हर काम के काम करने का जज्बा अपने माता पिता को आनंदपुर साहब का धनवाद से आए हुए हैं श्री तरसेम चंद सिंगला डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट व्यापार सेल भारतीय जनता पार्टी वह भी परिवार आनंद साहब का धनवाद से आए हुए हैं श्री राजेश कुमार जी भोला जो कि लहरा गागे तो कांग्रेस के प्रधान हैं वह भी परिवार आनंद साहब का धनवाद से आए हुए हैं सरदार सुरजीत सिंह जी धमां साडे इलाके के बहुत ही हरमन प्यारे लीडर वो एक परिवारिक मैंबर भी हैं ते हमेशा राजा रामचंद्र महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोली अपने अपने गुरु महाराज जिन्हां बारे सुनिया की धार्मिक प्रवृत्ति दे इंसान ने सो इस धरातल नूं इस मात लोक नूं त्याग के परमात्मा की गोद दे विच विराजमान हो गए उन्हां दे निमित्त अज श्री गीता भवन दे विच श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है सो शब्द अखर दे नाल जिसनू असी श्रद्धांजलि समारोह आखते हाँ उस बारे जानना जरूरी है जानोगे तो जे मन दे विच उस परमात्मा प्रति श्रद्धा है नहीं ये युगा युगा तो सनातनी लोग दिंदे आए ने जितनी देर तक वो परमात्मा
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। 14 ਭੁਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮਾ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਵੇ ਨਮਾ। ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਓ। ਤਣਾ ਤਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਉਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੰਨਿਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਜੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਜੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲਿਆਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਗਵਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ।
मन विच वसे कीता कर्म सिखावे गलत कुछ भी सिखाउंदी क्योंकि सवेर तो लैके जद उठदे हां उठना भी साडा कर्म है सोच आदि जाना एक कर्म है नित प्रतिदिन दे इशनान करना खाना पीना पकोदो भी इंसान कई बार नहीं समझता ते जदों ओस दे दूत आके गल दे विच फाही पाउंदे ने ओदो पुकारदा है कि मैं ऐसा कोई काम भी नहीं कीता परमात्मा तैनू मिलन दा ते हुण मैनू कौन सहाई है तेथों बिना पर ओदों ओ सब कुछ बाजी बता चुक्या है बाजी इंसान हार चुक्या हुंदा है ते आओ ए चारे अवस्था दे विच जदों जीव आत्मा अंतिम स्टेज हार्ट दी तरह मन कोई ऐसा शरीर दे विच पुरजा नहीं है जिस नूं असी डॉक्टर दे पास ले जाके इस नूं निकाल ते साडे मन नूं साफ कर दे ऐसा कोई पुरजा नहीं है मन की है मन साडे ख्याल ने जो साडी चित्त दी वृत्ति है ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਮਨ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਜਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਬੁੱਧੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਝਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸਦਾ ਔਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੰਤੂ ਗਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਜੂਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤੀ ਸਗਲ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨਮੇ ਕਸੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਰਤੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਮਦਾਰੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਆਓ ਹਰਿਓਮ ਬੋਲੀਏ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ Don't
ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਜੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਭਗਤ ਜਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਨ
सवाल जवाब करते ने भी मैं सर्विस कर रहा जी। सर्विस का मतलब की है? पहले सर नू जोड़ो, फिर विष्णु जोड़ो, दोनों नू जोड़ के सर विश्व बनती है। सर जो गुरु है उस द्वारा दिता हुआ ज्ञान जब तुम गुरु जी दे भोगते हो तो वह सर्विस है। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं है। एक भी इंसान एक क्लास के मन लो 100 जाने बैठे ने, विद्यार्थी बैठे ने एक क्लास के, एक अध्यापक पढ़ाने वाला है वो ब्लैक बोर्ड के उत्ते लिखता भी मन लो मूल धन 100 है। सवाल नू सॉल्व करने वास्ते मन लो 100 दे विच ही उन्हें कह दिता मन लो मूल धन 100 है। जेड़े ने तो मन लिया मूल धन 100 है, 100 दे विचों जे तां 100 ने मन लिया तो 100 ही पार ने। जिन्हें 99 भी मूल धन मन लिया जा समाज में जी को उन्होंने रुतबा है
और उरे आके जिन्होंने काम बताया है वो आपको सब पता ही है कि कितने वधिया उन्होंने विचार सुन बहुत सारिया संस्थावान तो शोकमती आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस गीता भवन की पूरी देख रेख अपना टाइम देंगे हम गीता भवन उन्होंने बर्दाश्त नहीं कही कि इतनी इतों उखड़ जाए क्यों उन्होंने अपने हाथों इस गीता भवन खड़ा कराया है बनाया है हिमलैंड पब्लिक स्कूल तो श्री पंकज मुगलानी आए हैं परिवार दुखों का करने वास्ते उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एस एस जैन सभा जिला वालों शोक मताया है जिले के प्रधान श्री चरणदास जी हैं रोटरी क्लब जिला वालों शोक मताया है सर्वहितकारी विद्या मंदिर वालों भी शोक मताया है श्री ठाकुर द्वार मंदिर सुनाम वालों भी शोक मताया है सुनाम तो मैं देख रहे हैं बहुत सब शिकायतें हुई हैं क्योंकि यह परिवार पिछो सुनाम है ना पिछोकड़ सुनाम तो बहुत लोग आए हैं दुखांजा करने वास्ते उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ मंदिर आया है बहुत सारे शोक मते आए हैं तो मैं हूँ बेनती करा श्री प्रेम जी गोयल कि वह दो मिनट वास्ते अपने श्रद्धा के फूल भेंट करेंगे श्री प्रेम जी गोयल जो रिश्तेदार मित्र जन माइया साढ़े नाल इस धोती घड़ी श्री खाने लिए आए थे मैं उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता अज असी पिता श्री सीताराम जी के अंतम अरदास इकट्ठे हुए हैं उन्होंने शरदा के फुल भेंट कर दी जिन्हों के बेटे अमरजीत जी दविंदर जी राजेश जी जो तीनों ही बहुत वधिया इंसान अमरजीत जी का साडा ज्यादा संबंध इकट्ठे रहने करके धार्मिक प्रवृत्ति के मगर जी के मकान हर फंक्शन के बद तो वध के हिस्सा लैन वाले इंसान का जो फर्ज समाज के है वो हर पास पूरा करते रहे हर काम के काम कर जज्बा अपने माता पिता को जोड़ा आचरण है वह कैसा सी सो अज असी उन्होंने अंतम अरदास शामिल हो असी परमात्मा अगे दुआ करिए कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणा च निवास बखे परिवार को माणा मनण का बल बखे सो फिर मैं एक बार परिवार वालों आए रिश्तेदार पतवंते सज्जन बीबिया सारा का बहुत बहुत धन्यवाद कर चौका इस गल के पिछे नहीं हट सकते होर भी बहुत सारे मित्र विशोक मते आए हैं साझा करने वास्ते आए हुए हैं श्री तरसेम चंद जी सिंगला डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट व्यापार सैल भारतीय जनता पार्टी वह भी परिवार साझा करने वास्ते आए हुए हैं श्री राजेश कुमार जी भोला जो कि लहरा गागे तो कांग्रेस के प्रधान हैं वह भी परिवार साझा करने वास्ते आए हुए हैं सरदार सुरजीत सिंह जी धमा साडे इलाके के बहुत ही हरमन प्यारे लीडर वो एक परिवारिक मैंबर भी हैं तो हमेशा गायत्री मंत्र पढ़ांगे एक बारी ओम जियो यो न प्रचोदया ओम शांति 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 सारी संगत का रिश्तेदारों का दोस्तों का भैनों का परिवार को साझा करने वास्ते आए हुए हैं उन्होंने एक ही कदम परिवार के सर मत्थे एक बार फिर मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ तो परिवार को बेनती करता हाँ कि हूँ आके वो आरती करवा Amen.
गोपाल माला के सिकंदरा दिगंबराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्याधरं तुम्ही हो सर्व मम देव देव। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीशन बलदेव की जय। अमर सुत हनुमान की जय। गौ माता की जय। नगर खेड़े की जय। गंगा मैया की जय। शिव राम तथा महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। दुर्गे माता तेरी सदा ही जय। सदा ही जय। बोलो धर्म की जय। हो जय धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। ईश्वर का कल्याण हो। ईश्वर का कल्याण हो। जय करे वीर भद्रंगे picture you